आज तो ख्वाजा के बारे में बोला है कि ख्वाजा गद्दार है, ख्वाजा लुटेरे हैं। मुसलमान के दिल पे चोट पड़ती है, हिंदुस्तान में हुकूमत तुम्हें बताओ मेरे भाइयों किसकी चलती है? ख्वाजा की चलती ना, गरीब नवाज की चलती ना। तो आज अगर आप हिम्मत आप नहीं उठाओगे, आज इसके खिलाफ नहीं बोलोगे, पता है आज तो ख्वाजा के बारे में बोला है, कल को नबी के बारे में बोला है, नबी गद्दार है, नबी लुटेरा था, तो बस तुम मान लेता। मुसलमानों के दिल पे लगती है, मुसलमानों के नबी सबसे ऊपर है। आज तो ख्वाजा के कितनी औकात है कि आज तो इनने ख्वाजा के बारे में बोला, कल इतनी औकात होगी, कल नबी के बारे में बोलेगा, फिर परसों को इतनी औकात होगी, फांसी दो, फांसी दो। आज तो नबी के बारे में, कल को इतनी औकात होगी कि अल्लाह तो बस तुम माज अल्लाह, हमारा रब जिसने हमें पैदा किया है उसके बारे में बुरा कहेगा। क्या मुसलमान भाइयों, क्या तुम सुन सकोगे? फकत ये मुसलमानों के लिए नहीं, यहाँ तक कि जो हिंदू भाई है, जो सिख भाई है, जो पंजाबी भाई है, उनके ऊपर भी है कि आज तो हमारे धर्म के बारे में बोला गया, आज तो हमारे ख्वाजा के बारे में बोला गया, कल को तुम्हारे गुरुद्वारे के बारे में बोला जाएगा, परसों को तुम्हारे मंदिर के बारे में बोला जाएगा, क्या सहन कर लोगे? अरे ये वक्त है कि एकता का वक्त है, इकट्ठे होकर लड़ो, अलग अलग होने में कोई फायदा नहीं। आज तो फकत हमारे ख्वाजा, जिनका सिक्का, जिनका राज इस हिंदुस्तान पे चलता है, उनके बारे में बोला गया है। अगर आज मुसलमानों आज नहीं उठोगे, आज नहीं जोश में आओगे, आज नहीं लड़कारोगे, तो तुम्हारा खेलत भी जाएगी, तुम्हारा मुसलमान होना भी बेकार, और तुम्हारा होना भी बेकार। वे फकत मुसलमानों का नहीं कह रही, अरे आज तो फकत हमारे ख्वाजा के बारे में बोला है, कल को किसी हिंदू के मंदिर के बारे में बोला जाएगा। सोच लो मेरे हिंदू और मुस्लिम भाइयों, आज तो हमारे ख्वाजा के बारे में बोला गया, अब ये बताओ कल को तुम इनसे पूछ रही हो, कल को जो हिंदू है ना, उनसे पूछ रही हो, कल को शिव जी के बारे में बोला गया, कल को गणेश जी के बारे में बोला गया, तुम क्या करोगे? बताओ मुझे क्या करोगे? कुछ तो आइडिया होगा, तो बोलो, ये बोलने का वक्त है, बोलोगे नहीं ना तो आज इतनी हिम्मत हुई है, कल को इससे ज्यादा होगी, परसों से इससे ज्यादा होगी, फिर एक वक्त आएगा ये ऑर्डर दिया जाएगा कि ख्वाजा के रोजे को उठा दिया जाए, ख्वाजा के रोजे को शहीद कर दिया जाए। हिंदुस्तान का एक ही राजा, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा, हिंदुस्तान का एक ही राजा, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा, हिंदुस्तान का एक ही राजा, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा। कुर्सी पर कोई भी बैठे, ख्वाजा तो मेरा राजा है, कुर्सी पर कोई भी बैठे, ख्वाजा तो मेरा राजा है। मुसलमान गद्दार है, मुसलमान गद्दार है। अरे ये बताओ मुसलमान गद्दार कैसे हो सकता है? जो बॉर्डर में शहीद होते हैं ना, वो भी मुसलमान होते हैं। वो कहते हैं ना, नेपाल जाएंगे ना पाकिस्तान जाएंगे, नजपाल जाएंगे, जन्नत में साहिब ईमान जाएंगे। अगर इस मुल्क के हिंदुस्तान को जरूरत पड़ी लहू की सरहद पर सर कटाने, हम मुसलमान जाएंगे। ठीक है जनाब, अस्सलाम वालेकुम, चलेंगे अपन थाने चलते हैं, आगे पुलिस देखेगा।